आज हम लोग बनाने वाले हैं एक मॉडर्न हाउस जो बिगनर्स और प्रो दोनों भी बना सकते हैं। सारे माइनक्राफ्ट प्लेयर इस हाउस मतलब मॉडर्न हाउस को बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, इधर आप लोगों को ऐसे करके स्टोन ब्रिक्स लगा लेनी है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे ही इसमें लगा लेनी है स्टोन ब्रिक्स। सो इधर ब्लॉक ब्लॉक प्लेस करते करते जाते हैं हम लोग। सो लेट्स गो। ये हमारा बेस का मतलब थोड़ा सा फाउंडेशन जैसा बोलते हैं ना, वैसा बन गया अभी। और इधर मैं वुड लगाने वाला हूँ, लेट्स गो। सो इधर मैंने वुड लगा दिए मतलब ऑलमोस्ट, और इधर भी मैंने वुड लगा दिया। सो लेट्स गो। और अभी हम लोग थोड़ा सा वॉल्स को ऊंचा करने वाले हैं, मतलब होते हैं ना मॉडर्न हाउसेस में वॉल ऊँचे ऊँचे, वैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। और हम लोग इसमें ग्लासेस भी लगाने वाले हैं, तो थोड़ी सी जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। सो इधर हम लोग वॉल्स को बहुत बड़ा करने आ रहे हैं। सो इधर कैसे कर रहे हैं, हाँ ऐसे। सो ऐसे हम लोगों को वॉल्स को कुछ कर लेना है। आपको दिख रहा है, लेट्स गो। सो अभी इसके बीच में हमें लगानी पड़ेंगी थोड़ी कुछ ग्लासेस, पर इससे पहले हम लोग अपना रूफ बना लेते हैं क्योंकि सेकेंड फ्लोर के लिए ये ज़्यादा काम आएगा। सो हम लोग इस रूफ को बना रहे हैं और ये रूफ कंप्लीट हो चुका है। सो इधर एक थोड़ा सा एक डोर लगा लेते हैं जैसा होता है, और इधर हम लोग लगाने वाले हैं ग्लासेस। ओके सो इधर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हम लोग ये करने वाले हैं, और ऐसे कुछ आपको ट्रैप डोर्स और स्टेयर्स उल्टे मैनर में लगा देनी है। सो आपका ऐसे हो जाता है तो घर के बैक साइड में आ जाना है और ऐसे सीधे स्टेयर्स लगा देने आपको, और इसके ऊपर ऐसा 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 अच्छा दिख रहा है। हाँ मुझे तो लगता है अच्छा दिख रहा है। सो इधर हम लोग ऐसा स्टॉल जैसा कुछ बना लेते हैं, और ऊपर नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं गाइस ये नहीं, गाइस ये भी नहीं अच्छा दिख रहा है। सो हाँ अभी ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा। सो हम लोग ये सब कुछ करने के बाद हमें इस आयरन के जो बार्स होते हैं ना उसको लगा देना है ऐसे करके, और उसके बाद में ऐसे करके, और इधर भी सारे मतलब ऐसे फिल अप करने जाना है। सो आयरन बार सारे खिड़की नहीं बोल सकते, हाँ खिड़की बोल सकते हम लोग इसको, उधर लगा देने सारे आयरन बार्स। इधर हम लोग ये वाला वाइट वाला कुछ लगा रहे हैं, ये आई थिंक सो क्वाड पिलर्स हैं। सो हम लोग इधर ये लगाने वाले हैं, और इधर हम लोग डालने वाले हैं थोड़े से ग्लास या फिर कुछ अलग ही डालते हैं क्योंकि मॉडर्न हाउस में ऐसा होता ही नहीं है ना कि ग्लास ही हो सब जगह। सो हम लोग कुछ और भी ज़्यादा अच्छा डालने वाले हैं जो हमें अच्छा लगता है वैसा। सो आप ग्लास भी डाल सकते हो मतलब, और हम लोगों को ऐसे ऐसे करके ब्लॉक प्लेसमेंट कर दे जानी है। सो हमारे ये दूसरे इसका फाउंडेशन पूरा हो चुका है जो ये था। अभी हम लोग वॉल्स भी करने वाले हैं। सो वॉल्स को कुछ ऐसे मैनर में लगा देना है, लेट्स गो। और इसके जगह हमें ये सब फेंस डालने हैं अंदर क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, और आप फेंस के बदले और भी कुछ डाल सकते हो, बट मैं तो प्रिफर करूँगा कि फेंस, क्योंकि मतलब थोड़ा सा अलग भी लगना चाहिए ना, यूनिक टाइप का कुछ। सो ऐसा हम लोगों का हो गया है। और इधर हम लोगों को लेनी है ऐसे वाली स्टेयर्स क्योंकि हमें ये भी तो कंप्लीट करना है ना सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए। ये सीढ़ियाँ भी जो चाहिए ना घर के अंदर बनाएंगे तो, क्योंकि हमारे घर में ना हाउस थोड़ा सा कम है, सो हमें ऐसी करके सीढ़ियाँ लगानी है, और ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक है थोड़ा। सो मैं ऐसे ही मैनर में लगा रहा हूँ। और इधर हमें थोड़ी सी स्टेयर्स वैसे मैंने जैसे लगाई, और इधर स्लैब्स और ट्रैप डोर लगा देनी है। सो हाँ ओके ये अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद में ऐसा और ऐसा इधर करेंगे हम लोग, और ऐसा। सो हाँ अच्छा दिख रहा है। सो ऐसे ही आपको करना है जैसा अभी मैं कर रहा हूँ इधर, और हाँ इधर एक ट्रैप डोर अभी अच्छा दिख रहा है आई थिंक, तो मतलब अच्छा ही तो दिख रहा है। सो इधर हम लोग लगाएंगे एक फेंस, और इस साइड में भी तो करना पड़ेगा। सो हम लोग ऐसा करेंगे कुछ ऐसा टाइप का, और उसके बाद में ऐसा एक लगा लेना है, और इधर एक ऐसा, उसके बाद में उल्टा वाला, और पीछे के साइड में एक ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक नहीं स्टेयर,
वैसा जैसे मैंने किया, और इधर ये उस ब्लॉक को तोड़ना है, और हाँ अभी अच्छा दिख रहा है। और इधर भी हमें ऐसा करके इधर आई थिंक फेंस लगाए कि इस साइड में कैसे किया है कि ऐसा ही हम लोग इस साइड में करते हैं। ओके गाइस, इस साइड में भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। सो ऐसे किया, लेट गो, बूम डैप और पा। सो हम लोगों ने ऐसा किया, वैसे ही आपको फॉलो करना है और इधर ऐसा एक ट्रैप डोर लगा लेना है इधर। सो लेट गो, और इधर थोड़े से स्लैब्स लगाने दे। ओ वेट, मिसप्लेस हो गया गाइस। सो इधर हाँ ऐसे करके स्लैब्स को प्लेस करना है, और इनके बीच बीच के गैप्स में आपको लगाने देने एक ट्रैप डोर्स हो। अभी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो अभी हमें चाहिए वो ब्लॉक जो है, हाँ ये चाहिए हमें। उसके बाद में ब्रिक का वो ब्लॉक भी चाहिए हमें। सो लेट्स गो, ये हम लोगों को मिल चुका है अभी। सो अभी हमें इसको ऐसा रूफ जैसा लगाना है, होता नहीं है घरों के ऊपर रूफ, वैसा हम लोगों को लगाना है। सो ऐसे हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद में नीचे भी ऐसे ही कुछ ब्लॉक प्लेसमेंट करते जाना है, और इधर ऐसे और यही सेम हमें इस भी साइड में कॉपी करना है, और ऐसे करते ही लगाते जाना है। ओके सो अभी अच्छा दिख रहा है, और इधर भी आई थिंक सो लगा देते हैं। हाँ इधर भी हम लोग लगा देते हैं, थोड़ा सा यूनिक भी हो जाएगा। और ओके सो ऐसा लगा दिया हम लोगों ने इसको, अभी अच्छा दिख रहा है थोड़ा। सो ऐसे करने के बाद इधर ऐसे एक स्टेयर लगानी है, और इधर भी एक स्टेयर लगानी है, और हाँ इधर भी एक स्टेयर लगानी है उल्टी वाली, और इधर हम लोगों को लगाना है फेंस। सो अभी फेंस लग गया इधर, तो अभी हम लोग इस पूरे वाइट कंक्रीट, सॉरी कंक्रीट नहीं, क्वार्ट्स पिलर को ढक लेते हैं, और ऐसे ही कुछ करना है। और उसके बाद में ऐसा, इधर ऐसा और ऐसा। ओके तो गाइस अभी अच्छा दिख रहा है हमारा एक मॉडर्न हाउस, और अभी हम लोगों को ऐसा करके ही जाना है। और उसके बाद में हाँ कैंप फायर तो ज़रूरी है ना गाइस, आपको पता है कि कुछ घरों में ऐसे कैंप फायर लगी होती है और ऊपर से उसका धुआं बाहर आता है। ओके सो हम लोगों को ऐसे ही कुछ बनाना है, और ये अच्छा दिख रहा है, और इसके ऊपर एक वॉल लगानी है, और अच्छा दिख रहा है ये। आप कौन सी भी कलर की वॉल लगा सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ वो नेदर वाली स्टोन की वॉल, और ऐसे आपको ट्रैप डोर्स को बढ़ाते जाना है ऊपर। सो ओके अभी अच्छा दिख रहा है थोड़ा। इधर हम लोग लगाने वाले हैं थोड़े से कुछ लैंटर्न्स, जैसा बाहर भी रोशनी आए ना, हमारे घर के अंदर रोशनी है बट हमारे घर के बाहर नहीं है रोशनी, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ओके इसके बाद में आपको ऐसा करके भी इधर ये करना है, लैंटर्न को लगाना है, और इधर हाँ हमें थोड़ा सा डिटेल के लिए कुछ ब्लॉक्स लेने हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया, और इधर ऐसा लगाते जाना है सिर्फ डिटेल के लिए। सो आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ, आप कैसे भी लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ मेरे जैसा ही आप लोग लगाओ, बट आप कैसे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे ही लगाओ, बट ओके चलता है आपके माइंड में जो है वो लगा। और इधर हाँ अभी ठीक दिख रहा है। सो और थोड़ा सा डिटेल के लिए हमें चाहिए ब्लॉक, इधर नहीं मिल रहा, इधर नहीं। ओके सो हमें ये चाहिए ड्योरेट, और ये थोड़ा सा वाइट कंक्रीट पाउडर, वो हमें इधर थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए लगा देना है। सो ऐसे मैं लगाते जा रहा हूँ। सो कैसे भी आप लगा सकते हो एज यूजुअल, और वो नीचे गिर गया। ओके ये अच्छा दिख रहा है, और इधर हम लोगों को ऐसा लगाना है, और हाँ अभी ये वाली साइड कंप्लीट हो चुकी है, और इधर भी हम लोगों को लगाना है वैसा ही कुछ। ओके और ये ऊपर वाले ब्लॉक पे ये लगेगा। ओके हमारा गोल अच्छे से डिटेल हो चुका है, बट थोड़ी सी और जगह में डिटेल में बाद में करूँगा। सो इधर एक डोर लगा देते हैं ऊपर वाले फ्लोर के लिए भी, या फिर कोई भी मतलब कोई भी घुस जाता है। ओके सो
सो ऐसा कर लिया हम लोगों ने, बैरल ले ली और चेस्ट ले ली और क्राफ्टिंग टेबल भी ले लिया हम लोगों ने। सो इधर ऐसे डिटेलिंग के लिए बैरल और चेस्ट लगाते जाने हैं। हमारे घर के सामने एक क्राफ्टिंग टेबल और बैरल लगेंगे और इधर एक लैंटर्न थोड़ी सी रोशनी के लिए, और इधर अरे यार हाँ, सो हमें थोड़े से लीफ ब्लॉक लेने हैं। और हम लोगों को जैसे नहीं होता मॉडर्न हाउस के इधर आजू बाजू में थोड़े से लीफ लगाए जाते हैं, सो हम लोग वैसा ही कुछ करने वाले हैं। और इधर हम लोग लगाने वाले हैं लीव्स जो अच्छे दिखेंगे। ओके, और इधर तो हम लोगों ने वो डिटेल नहीं किया था, तो भी हम लोग भी इसे डिटेलिंग कर देंगे। सो इधर एक लगा डियोराइट और इधर भी लगेगा थोड़े से डियोराइट, और हमारा हाउस अच्छा डिटेल भी हो गया है। सो अच्छा है। सो इफ आपको वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सिया।